5T ने धूम मचा दी है उसकी, स्पेशली प्राइसिंग के साथ. लेकिन लोग जानना चाहते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग, जब मैं लाइव कर रहा था इवेंट के इधर से, तभी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा डिफरेंस क्या है, हमने सिर्फ अभी बाय किया है वन प्लस फाइव, अब क्या करें हम आगे, वन प्लस ने ऐसा करना नहीं चाहिए था. तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं एग्जैक्टली जो डिफरेंसेस हैं वन प्लस फाइव और वन प्लस फाइव टी के बीच में. तो मैं आपको इस वीडियो में सब डिफरेंसेस बताऊंगा, उसके बाद में आप देखिए आपको क्या करना है. लेकिन 5T में है कुछ कुछ डिफरेंसेस जरूर है. 4 महीने या 5 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था वन प्लस फाइव और अब कल लॉन्च हुआ है वन प्लस फाइव टी. इसके सब डिफरेंसेस जानिए इस वीडियो में. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले. और जी हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा. वन प्लस फाइव टी वर्सेस वन प्लस फाइव, क्या क्या डिफरेंसेस है. दोस्तों सबसे बड़ा अगर डिफरेंस देखा गया तो वो स्क्रीन है. जी हाँ, वन प्लस फाइव टी स्क्रीन जो है वो है 6.01 diagonally 6.01 इंच की स्क्रीन है, whereas OnePlus 5 की 5.5 इंच है. लेकिन एक बात याद रखिए, उसके जो पिक्सेल डेंसिटी है वो कम हुई है क्योंकि स्क्रीन बड़ी हो गई है, लेकिन पिक्सेल्स जो है उतने ही रहे हैं. तो 5.5 की जो स्क्रीन है वो आपको ज़्यादा पंचियर दिखेगी. लेकिन इन रियलिटी जब मैं कल यूज़ कर रहा था फ़ोन को, तभी मैंने देखा कि इसके कलर्स और जो कलर्स पंचीनेस है कलर्स के, वो भी बहुत अच्छा था. तो स्क्रीन वाइज इवन दो 5T का पिक्सेल डेंसिटी कम हुआ है, फिर भी अच्छी स्क्रीन है. दूसरी बात स्क्रीन की, दोस्तों 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है. इसका मतलब उसका जो साइड के बेजल्स हैं बिल्कुल ना के बराबर है, इनफैक्ट नहीं है. और ऊपर का जो नेक और चिन दोनों भी है वो भी बहुत ही पतला है, बहुत ही छोटा है. तो आगे जो पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर हुआ करता था, क्योंकि नीचे का जो बेजल था वो मोटा था, तो वन प्लस फाइव में है फिंगरप्रिंट स्कैनर आगे की तरफ, इसमें नहीं है, इसमें आता है पीछे की तरफ. दोस्तों वन प्लस फाइव टी का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 80%, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव. और वन प्लस फाइव का है वो 74% है. उसकी वजह से आपको स्क्रीन रियल एस्टेट बहुत ज्यादा मिलती है, बेजल्स एकदम ही पतले मिलते हैं. तो स्क्रीन इज द हाईलाइट, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन वन प्लस फाइव टी एंड वन प्लस फाइव. दोस्तों बाकी दिखने में नियरली सेम है, सिर्फ वन प्लस फाइव टी का जो एजेस है वो ज्यादा कर्व्ड है, इतने ज्यादा भी नहीं है लेकिन स्लाइटली मोर कर्व्ड है वन प्लस फाइव टी. स्क्रीन छोड़ के दूसरा बड़ा डिफरेंस है दोनों में उसका कैमरा, रेयर कैमरा. रेयर कैमरा जो वन प्लस फाइव टी का है वो था, पहले जो प्राइमरी रेयर कैमरा था वो था 16 मेगापिक्सल, और जो सेकेंडरी रेयर कैमरा था वो था 20 मेगापिक्सल 2.4 f/2.4. लेकिन अब जो ये सेकेंडरी कैमरा वन प्लस फाइव टी में है उसका एपरेचर स्टॉप यानी एफ स्टॉप जो होता है वो 1.7 हो गया है. मतलब वो ज़्यादा लाइट लाता है अंदर, उसकी वजह से लो लाइट फोटोग्राफी जो होने वाली है वन प्लस फाइव टी पे वो बहुत अच्छी होगी. दोस्तों अभी तक हमारे पास रिव्यू यूनिट नहीं आया, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स के पास आ गया है, हमारे पास नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि आज भेज देंगे, अगले 2 दिन में आ जाएगा. उसके बाद में हम बहुत सारे कैमरा सैंपल्स भी करेंगे. लेकिन ऑन पेपर ये जो कैमरा है, कैमरा सेकेंडरी कैमरा, रेयर सेकेंडरी कैमरा है, वो ज़्यादा लाइट देता है, इसलिए लो लाइट फोटोग्राफी आपकी अच्छी होगी. दूसरी बात दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड, एक नया पोर्ट्रेट मोड लाया है जिसमें बहुत सारे उन्होंने अपडेट्स दिए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जिसकी वजह से आपके जो पोर्ट्रेट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे निकलेंगे, ऐसे OnePlus ने कहा है. लेकिन ऑफकोर्स हम जब टेस्ट करेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी पेपर पे अच्छा लग रहा है. पोर्ट्रेट एंड रेयर कैमरा, ये दो बड़े डिफरेंस है कैमरा में OnePlus 5 और OnePlus 5T के अंदर. दोस्तों लेकिन एक फायदा है बड़ा वन प्लस फाइव में, ऑप्टिकल जूम. 5T में ऑप्टिकल जूम नहीं है और वन प्लस फाइव में 2x ऑप्टिकल जूम है. तो दोस्तों हार्डवेयर में देखा गया तो ये दो ही डिफरेंस हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में देखा गया तो वन प्लस एक नई चीज लाया है, फेस अनलॉक. जी हाँ, जैसे आईफोन एक्स में है वैसे, या फिर आईफोन 10 आप कहते हैं उसको, तो वो फेस अनलॉक है और बहुत ही अच्छा चलता है. मैंने उधर ट्राई किया, बहुत अच्छा चलता है. लेकिन दोस्तों टेस्ट जरूर करना है कि अगर मैंने फोटो रखा मेरे जगह पे तो वो अनलॉक होता है क्या. तो ये सब टेस्ट करना पड़ेगा, क्या उसको फूल कर सकते हैं फेस अनलॉक को. अगर कर सकते हैं तो वो फेस अनलॉक का कुछ फायदा नहीं है, कोई भी आके फोटो दिखा के
खोल देगा आपका फोन, लेकिन टेस्ट करने के बाद हम जरूर बताएंगे। लेकिन ये डिफरेंस है OnePlus 5 और OnePlus 5T में। दोस्तों कल जब लाइव लॉन्च हो रहा था तो OnePlus ने कहा कि ओरियो अपडेट आ रहा है OnePlus T को दिसंबर में और OnePlus 5 पे आएगा अर्ली 2018 यानी जैन फेब मार्च तक OnePlus 5 में आएगा। ओरियो अपडेट दिसंबर में ही मतलब अगले महीने 5T में आने वाला है। तो दोस्तों ये थे सब डिफरेंसेस, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास OnePlus 5 है तो क्या आपने अपडेट करना चाहिए? दोस्तों मत कीजिए, OnePlus 6 के लिए रुक जाइए। लेकिन उसके पहले के कोई भी फोन्स अगर हैं आपके पास, OnePlus 3T, OnePlus 3, 2, 1 कोई भी है, तो आंखें बंद करके आप 5T ले सकते हैं, स्पेशली क्योंकि उसकी प्राइस, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मैंने तो कहा था OnePlus 5 भी महंगा है, लेकिन उन्होंने और प्राइस नहीं बढ़ाई OnePlus ने, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी है कि OnePlus 5 के दाम अब गिर जाएंगे, मेरे हिसाब से 29,000-30,000 तक OnePlus 5 का प्राइस आ जाएगा। तो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैमरा वगैरह नहीं है, स्क्रीन आपको 18:9 वगैरह नहीं चाहिए, तो OnePlus 5 आपको मिल सकता है 30 या उससे भी कम प्राइस में, तो वो भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों ऑब्वियसली आप रुके हुए हैं हमारे एक्चुअल रिव्यू के लिए, हम भी रुके हुए हैं, हमने बहुत उनसे पूछा, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मिल गया, हमें अभी तक नहीं मिला है, कल परसों तक आ जाएगा, उसके बाद में हम ज़रूर करेंगे, तो उसके लिए ज़रूर रुकिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ सवाल है कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अगले वीडियो तक